सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मैंक और आप देख रहे हैं मैंकेस 41 यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने जानते हैं कि मैंने अपनी ब्लू वाली साइकिल में स्टेयरिंग व्हील लगाया था, जो आज भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी थोड़ा सा लूज़ है क्योंकि मैंने यहाँ से इसको खोल रखा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से खुला हुआ है, तो ये खुला हुआ है, इस चक्कर में ये मूव नहीं कर रहा है। बट गाइस, अब हो क्या रहा है कि मतलब इसको ज़्यादा, ये वाली साइकिल को मेरा छोटा भाई चलाता है, तो अभी उसको परेशानी हो रही है चलाने के लिए, चलाने में। तो अभी इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड अभी इसमें लगवा रहा हूँ मैं वापस जो इसका नॉर्मल हैंडल था। तो इसके लिए अपन को ये टी की कुर्बानी देनी पड़ी, तो अपन नई टी खरीद लाएँ। तो इसको लगाते हैं और नई टी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाई है मैंने। तो इसको निकालते हैं जल्दी से एंड आप लोग बता ही नहीं रहे गाइस कि ऑक्टेन में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो आज मैं फिर से आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऑक्टेन में अपन लगाएं कि नहीं लगाएं। वैसे ऑक्टेन का हैंडल तो एक नंबर लगता है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या नया सामान लेके आऊँ और मैं इसमें क्या क्या लगाने वाला हूँ। तो गाइज, ये हैंडल को आप लोग देख सकते हैं। तो इसको सिंपली निकालने के लिए आपको सामने जाना पड़ेगा एंड टायर को इस तरीके से कुछ होल्ड करके इसको बाहर खींचना पड़ेगा। तो देख सकते हैं गाइज, ये बाहर निकल आ चुका है। इसका ये टी पूरा खराब हो चुका है, तो अब इसको चेंज कर देंगे। इसका भी मैं साइड रख देता हूँ। सो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये अपना स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे रखा हुआ है। ये अपना स्टीयरिंग व्हील है और ये जो इसकी टीन है ये खराब हो चुकी है टोटली। तो अब इसको साइड में ही रख देते हैं। जब ऑक्टेन में लगाएंगे तो देन यहाँ से इसको कटवाएंगे, तो इसको जब यूज करेंगे। और ये गाइस अपना नया टी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर में है ये अभी पूरा। इसमें मैंने ऑलरेडी हैंडल फिक्स कर दिया है, बस इसमें अभी ये ग्रिप्स निकालनी है। और मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या लेके आया हूँ। और ये नई ग्रिप्स है गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये नई ग्रिप्स है लेफ्ट राइट की। ये वैनम कंपनी की ग्रिप्स है, आप लोग देख सकते हैं वैनम लिखा हुआ है। और ये सामने पीछे वाली ब्रेक की केबल है, ये थोड़ी बड़ी वाली केबल यूज़ करता हूँ एंड ये फ्रंट ब्रेक की केबल है। तो चलिए ये सामान अपन जल्दी से इंस्टॉल करते हैं अपनी साइकिल। तो गाइस, अब बारी आती है कि अपन अपना जो हैंडल की टी है वो इंस्टॉल कर दें। तो गाइस, अब तब कभी भी अपना टी निकालते हैं या हैंडल को बाहर निकालते हैं, तो इसको लूज़ करिए, इसको पूरा मत निकालिए, क्योंकि ये जो इसके साथ में नट रहता है ये भी इसके साथ बाहर आना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फंसा रहता है, तो इसके साथ ये बाहर आ जाता है। तो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ी सी अलाइनमेंट आप रखिए यहाँ पे इस तरीके से एंड इसको पुश करके अंदर घुसर दीजिए। आपको जितनी भी हाइट पे इसको रखना है तो आप रख सकते हैं, मैं इस हाइट पे रखूंगा इसको। और आपको 13 नंबर के स्पैनर से इसको टाइट कर देना है। मैं इसको टाइट कर, सो गाइस टाइट करते, सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपनी जो टी है वो प्रॉपरली हैंडल के साथ में इंस्टॉल कर दिया है। देख सकते हैं मूवमेंट एकदम एक्यूरेट है। तो गाइस, अब ये वाली ग्रिप को अपन को बाहर निकालना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाली ग्रिप बेकार हो चुकी है, अपन ने बार एंड वाली वीडियो बनाई थी जब इसको काट दिया था। तो अभी नई ग्रिप इंस्टॉल करते हैं एंड इसको मैं सोचूँ गाइस ब्लैक कलर से पेंट कर दूँ। आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताना इसको, या फिर मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा, ये अब अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस यहाँ पर अपन नई वाली ग्रिप लगाएंगे एंड ये अपना पुराना वाला लीवर लगाएंगे यहाँ पर। तो फ्रंट गियर इसमें है नहीं, तो इसमें ये नॉर्मल लीवर से काम हो जाता है इसका। तो अभी गाइस करते हैं इसको, काटते हैं एंड नई ग्रिप्स और लीवर को इंस्टॉल कर देते हैं। तो गाइस पहले तो मैं इसको हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ से निकल जाए तो। पर ये गाइस एकदम टाइट हो चुकी है, तो इस टाइप का आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं पूरी ग्रिप गाइस वेस्ट हो चुकी है। अगर हाथ से निकले तो हाथ से निकाल लीजिएगा, नहीं तो बाद में यूज़ आती है। अभी तो इसको फेंक देते हैं अपन एंड नई वाली ग्रिप्स को इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस ग्रिप्स इंस्टॉल करने से पहले ये लीवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी।
सो गाइस यहाँ पे अपनी जो लीवर है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो अब टाइम आता है कि अपन अपनी ग्रिप इंस्टॉल कर दें। तो ये रही ग्रिप, तो ग्रिप के अनबॉक्सिंग भी मैं आपके सामने ही कर देता हूँ। तो ये इसको मैं खोल देता हूँ सोफे को साइड में, और ये देख सकते हैं गाइस इसमें ऑयल ऑलरेडी लगा हुआ है। देख सकते हैं गाइस ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है, ऑयल में डिप्ड है एकदम। तो इसको अपन डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट काम अपना यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हैंडल वगैरह प्रॉपर फिटिंग कर दी है, ग्रिप्स की भी यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है। बस गाइस इसमें वायरिंग बची है, और वायरिंग ये रही मेरे हाथ में, तो वायरिंग का मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार इसका शूट कर चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसको जल्दी से लगा देता हूँ एंड आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ कैसा लुक आ रहा है अब निकल के, और वर्किंग भी अब मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपने मेरी साइकिल का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेक एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, और ये सामने के ब्रेक हैं ये भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। और ये जिन लोगों को नहीं पता, ये मैंने बाहर से मतलब खुद जुगाड़ करके लगाए हैं ये फ्रंट ब्रेक्स। और यहाँ पर देख सकते हैं सीट भी मैंने अच्छे से टाइट कर दी है, और जितनी सब चीज़ें थी सब एकदम टाइट हो चुकी हैं। और यहाँ पर गियर केबल भी लगा दिया, गियर केबल सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, बस इसको एक वॉश देना और थोड़ी सी ऑयलिंग करना है। तो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और डेली वीडियोस अब आने वाली हैं तो उनको अपना पूरा प्यार देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।